नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 9 अगस्त। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बस एक सुझाव और पाइए बिहार बोर्ड से लाख रुपया का इनाम। मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन हुई सख्त। जेई मेन सत्र 2 में बिहार के अरुदीप को मिला 100%। जदयू के सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के आखिरी दिन लगी गोल्ड की झड़ी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बस एक सुझाव और पाइए बिहार बोर्ड से लाख रुपए का इनाम। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा व्यवस्था में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बेहतरी और सुधार करने का फैसला लिया है। इसके लिए बिहार बोर्ड ने सभी डीईओ, विद्यालय, शिक्षक और विद्यार्थियों से सुझाव मांगे हैं, जो कि आपको बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर 10 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक देना है। इसके लिए आप 15 से लेकर 1 लाख तक का इनाम जीत सकते हैं। जी हाँ, विद्यार्थी अपने सुझाव व्हाट्सएप नंबर 8102926664, बीएसईबी की आधिकारिक ईमेल आईडी besebsuggestion2@gmail.com और आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर उपलब्ध लिंक द्वारा बीएसईबी फेज 3 रिफॉर्म्स के संबंध में सुझाव और क्लिक करते हुए दे सकते हैं। वहीं बिहार के डीईओ, प्रिंसिपल्स और टीचर्स के लिए व्हाट्सएप नंबर 8102926635 उपलब्ध किया गया है। हालांकि आप विस्तृत जानकारी के लिए बीएसईबी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर जरूर विजिट करें। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे आचार्य शिव पूजन सहाय की। शिव पूजन सहाय का जन्म सन 1893 ईस्वी उनवास ग्राम जिला बक्सर शाहबाद में हुआ था। 1912 ईस्वी में आरा नगर के एक हाई स्कूल में शिव पूजन सहाय ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उन्होंने सामाजिक जीवन का शुभारंभ हिंदी शिक्षक के रूप में किया और साहित्य के क्षेत्र में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आए। शिव पूजन सहाय का हिंदी के गद्य साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। उनकी भाषा बड़ी सहज थी। इन्होंने उर्दू के शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से किया है और प्रचलित मुहावरों के संतुलित उपयोग द्वारा लोक रुचि का स्पर्श करने की चेष्टा की है। आचार्य शिव पूजन सहाय की प्रमुख रचनाओं में से देहाती दुनिया, मतवाला माधुरी, गंगा, जागरण, हिमालय, वही दिन वही लोक, मेरा जीवन, स्मृति शेष, हिंदी भाषा और साहित्य शामिल है। जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने सुनी 50 फरियादियों की फरियाद। अगस्त महीने के दूसरे सोमवार को मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगा, जहां उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़े फरियादें सुनी। जहां समस्तीपुर और शेखपुरा से आई दो अलग अलग महिलाओं ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि वर्ष 2021 में कोरोना से उनके पिता और एक के पति की मृत्यु हो गई, लेकिन अब तक मुआवजे की राशि नहीं मिली है। वहीं भोजपुर जिला के जगदीशपुर के मंडल कॉलेज से आई छात्रा ने मुख्यमंत्री से लगाते हुए कहा कि मैं वर्ष 2020 में स्नातक कर चुकी हूं, लेकिन अब तक हमें प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। पट्टा के बुटपुन से आए एक दिव्यांग राज्य स्तरीय खिलाड़ी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन्हें तीरंदाजी खेल के लिए आधुनिक प्रशिक्षण दिलाने की सुविधा प्रदान की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ऐसे 50 मामलों का निष्पादन बीते दिन जनता दरबार में किया। मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन हुई सख्त। मुस्लिम समुदाय के लोगों का महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मुहर्रम 9 अगस्त यानी आज मनाया जा रहा है। मुहर्रम के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी चौकस है। राजधानी पटना सहित अन्य जिलों में कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। चौक चौराहों पर विशेष पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने पटना, नालंदा, गया, नवादा, रोहतास, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, सिवान, सारण, बेतिया, मोतिहारी, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और खगड़िया में विशेष सशस्त्र पुलिस की 28 कंपनियों की प्रतिनियुक्ति की है। वहीं बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर चुके करीब 8,000 सिपाहियों को उनके पैतृक जिलों में वापस कर दिया जाएगा। इंडियन नेवी ने विभिन्न पदों पर निकाली रिक्तियां। इंडियन नेवी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसएससी ऑफिसर, आईटी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के कुल मिलाकर 50 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इससे संबंधित अन्य समकक्ष विषय में बीई या बीटेक या एमई या एमटेक या फिर इन विषयों में बीसीए के साथ ही एमसीए पास होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त आवेदक को क्लास 10th या 10+2 में
इंग्लिश सब्जेक्ट 60% मार्क्स के साथ पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस पद से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 अगस्त 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। पटना और बिहार म्यूजियम को भूमिगत सुरंग से जोड़ने में लगेगा इतना वक्त। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को भूमिगत सुरंग से जोड़ने का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके बारे में मुख्यमंत्री पहले ही कई बार जिक्र कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने हाल ही में एक बार फिर जिक्र करते हुए कहा कि बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने के लिए 375 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को पटना संग्रहालय और बिहार संग्रहालय को भूमिगत जोड़ने का काम दिया गया है। इस काम को पूरा करने के लिए 3 वर्ष का समय मांगा गया है। बिहार में स्थित सीता कुंड इस वजह से बेहद खास। बिहार का सीतामढ़ी जिला पुराण और इतिहास से जुड़ा हुआ है। सीता कुंड राज्य के सीतामढ़ी नगर के समीप पुनौरा ग्राम स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। यहाँ एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। सीतामढ़ी से 5 किलोमीटर दूर यह स्थल पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। पुनौरा धाम जानकी कुंड पौराणिक काल में पुंडरीक ऋषि के आश्रम के रूप में विख्यात था। पुनौरा में ही देवी सीता का जन्म हुआ था। मिथिला नरेश जनक ने इंद्रदेव को खुश करने के लिए अपने हाथों से यहां हल चलाया था। इसी दौरान एक मृदा पात्र में देवी सीता बालिका के रूप में उन्हें मिली थी। मंदिर के अलावा यहां पवित्र कुंड है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि राजा जनक ने उसी जगह पर एक पुरस्करणी खुदवाया और माता सीता की शादी के बाद इसी जगह पर राम लक्ष्मण और सीता की प्रतिमूर्ति रखकर एक मंदिर बनवाया गया जिसे जानकी मंदिर कहा जाता है। कुंड जानकी कुंड नाम से प्रसिद्ध है। वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने किया अलर्ट। बिहार में एक बार फिर से लोगों को अच्छी बारिश का इंतजार है। बिहार में मॉनसून की शुरुआत जून में ही हो गई थी। पिछले कुछ दिनों से बिहार में अच्छी बारिश हो रही थी लेकिन एक बार फिर से मॉनसून कमजोर होता दिखाई दे रहा है। लोगों को वापस से राज्य में अच्छी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार 9 अगस्त के प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से मौसम में यह बदलाव आएगा। मौसम की यह स्थिति कुछ जगहों पर बुधवार को भी आंशिक रूप से बनी रह सकती है। जेईई मेन सत्र 2 में बिहार के अरुदीप को मिला 100% नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA ने बीते दिन जेईई मेन सत्र 2 का रिजल्ट जारी किया। जेईई मेन सत्र 2 की परीक्षा में बिहार के अरुदीप को 100% मिला है। वहीं बिहार में लड़कियों में अंकिता मिश्रा ने टॉप किया है। अंकिता को टोटल 99.97% मिले हैं। दिव्यांग में अभय सिंह को 99.82% प्राप्त हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जेईई मेन सत्र 2 की परीक्षा 25 से 30 जुलाई के बीच आयोजित की गई थी। जेईई मेन 2 में देश में 24 विद्यार्थियों को 100% मिला है। यह परीक्षा देश के 440 शहरों में 622 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। एक दिन में पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए विधानसभा अध्यक्ष। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा रविवार 7 अगस्त को कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके एक दिन बाद 8 अगस्त को उनके कोरोना नेगेटिव होने की खबर आई है। इस बात की जानकारी खुद विधानसभा अध्यक्ष ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि ईश्वर की असीम कृपा और आप सभी के स्नेहाशीष से आज मेरी कोरोना जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आई है जिससे मैं पुनः अपने कर्म पथ पर लौट रहा हूँ। कोरोना से डरना नहीं बल्कि सजग और सतर्क रहकर इसे हराना है और समाज को स्वस्थ बनाना है। बिहार के 10 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं ने नहीं जमा की बिजली बिल। राज्य के 10 लाख ग्रामीण उपभोक्ता पिछले वर्ष से ही बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं। मार्च में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन उपभोक्ताओं ने एक भी रुपया जमा नहीं किया है। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 को शुरू हुए 4 महीने बीत चुके हैं लेकिन इन उपभोक्ताओं की ओर से एक भी पैसा जमा नहीं किया जा रहा है। कंपनी ने इन 10 लाख उपभोक्ताओं को नॉन पेइंग की श्रेणी में डाल दिया है। हालांकि अब तक इन उपभोक्ताओं की बिजली काटी नहीं गई है। पैसा जमा नहीं करने वाले ये ग्रामीण उपभोक्ता हैं। वहीं पैसा जमा नहीं करने वाले इन उपभोक्ताओं से बकाया वसूली के लिए कंपनी ने विशेष रणनीति बनाई है। ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान कर माइकिंग कराई जाएगी। बिहार में होगा एक और नया राष्ट्रीय राजमार्ग। बिहार में एक और नया राष्ट्रीय राजमार्ग NH बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग कटिहार के बारसोई से होकर गुजरेगी। दरअसल सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी की मांग की है कि आजम नगर बारसोई प्रखंड से विघोर बाजार के बाद पश्चिम बंगाल के वाहिन मकरा नगर नदी पर एवं रायगंज नेशनल हाईवे 34 4-लेन सड़क तक विस्तार एवं नया राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में निर्माण किया जाए। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया है और
और आगे की कार्रवाई के लिए अधिकारियों को पत्र लिखकर आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसकी सूचना उन्होंने कटिहार के सांसद को भी पत्र लिखकर दी है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के आखिरी दिन लगी गोल्ड की झड़ी। इंग्लैंड के बर्मिंगहम में खेले गए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के 11वें और आखिरी दिन में भारत के पुरुष और महिला दोनों बैडमिंटन प्लेयर्स ने कमाल कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स के 11वें दिन भारत को बैडमिंटन में 3 गोल्ड मिले। पीवी सिंधु ने विमेन्स सिंगल्स में और लक्ष्य सेन ने मेन्स सिंगल्स में सुनहरी कामयाबी हासिल की। लक्ष्य का मेडल भारत का इस मेगा इवेंट में 20वां गोल्ड रहा। वहीं पीवी सिंधु ने भारत के लिए 19वां गोल्ड मेडल हासिल किया और इसी के साथ भारत को बैडमिंटन में 3 गोल्ड मिले, 1 गोल्ड टेबल टेनिस में मिला। और इसी के साथ खबर लिखे जाने तक भारत के 22 गोल्ड सहित कुल 61 मेडल हो गए थे। भारत मेडल टैली में चौथे स्थान पर था। जदयू के सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद जदयू में सियासी उथल पुथल के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के सभी सांसदों के साथ मंगलवार यानी आज पटना में बैठक करेंगे। सीएम नीतीश ने सभी जदयू सांसदों को सोमवार तक राजधानी पटना आने को कहा था। दरअसल जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सीएम नीतीश अब एक्टिव हो गए हैं। मालूम हो कि आरसीपी सिंह पर जदयू ने कई प्रकार के आरोप भी लगाए हैं। ललन सिंह का भाजपा से सवाल, भाजपा के नेता यह तय करेंगे कि जदयू से कौन मंत्री बनेगा। आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री बनाए जाने के मुद्दे पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लपेटे में लिया है। उन्होंने कहा कि आरसीपी का मोदी सरकार में मंत्री बनना नीतीश कुमार का निर्णय नहीं था, यह आरसीपी के बयान से भी जाहिर हो चुका है। आरसीपी सिंह अपनी मर्जी से केंद्र सरकार में मंत्री बने थे। आरसीपी सिंह ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि तब अमित शाह ने उन्हें कहा था कि आपके नाम पर सहमति बनी है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि क्या भाजपा के नेता यह तय करेंगे कि जदयू से कौन मंत्री बनेगा, क्या जदयू से जुड़ा निर्णय शाह लेंगे। उन्होंने कहा कि उस समय जब आरसीपी सिंह खुद इस प्रस्ताव को लेकर आए और नीतीश कुमार को कहा कि मैं मंत्री बनने जा रहा हूं, तो नीतीश कुमार ने कहा कि जब आपने तय कर ही लिया है तो आप मंत्री बन सकते हैं। प्रदेश में राजनीतिक हलचल के बीच पप्पू यादव का मुख्यमंत्री को सलाह। बिहार में चल रही सियासी गहमागहमी के बीच जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह दी है कि एक बार वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर ले। दरअसल बिहार में राजनीतिक अस्थिरता को बिहार के विकास के लिए खतरा बताते हुए जाप सुप्रीमो ने नीतीश सरकार से अपना पक्ष साफ रखने को कहा है। बीते दिन पटना संवाददाता सम्मेलन में बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि जब नीतीश कुमार को बीजेपी कोई भी मौका देने के लिए तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री को यह घोषणा करनी चाहिए कि यह सरकार स्थिर है और आगे भी चलती रहेगी, या कह दे कि वह इस गठबंधन के साथ अपना भविष्य नहीं देखते हैं। लोकसभा सांसद का बड़ा दावा, एनडीए गठबंधन के लिए भाजपा हर कुर्बानी देने को तैयार। बिहार में जदयू भाजपा गठबंधन की सियासी गहमागहमी के बीच भाजपा ने बड़ा दावा किया है। बिहार बक्सर के भाजपा लोकसभा सांसद अश्विनी चौबे ने यह दावा किया है कि बिहार के विकास और एनडीए गठबंधन को बनाए रखने के लिए भाजपा हर कुर्बानी देने को तैयार है। उन्होंने भाजपा पर लगाए गए तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। केंद्रीय मंत्री ने बिहार में गठबंधन टूटने को अफवाह बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बने रहेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अफवाहों का बाजार गर्म है और बीजेपी इस तरह के अफवाहों पर विश्वास नहीं करती है। नीतीश कुमार किसी भी जन्म में पीएम नहीं बन सकते वाले बयान पर कुशवाहा का पलटवार। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है, प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। इस बीच जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरसीपी सिंह के उस बयान पर पलटवार किया है जिनमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार किसी भी जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इस बयान पर तीखा प्रहार करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर तरह से प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। आज हम कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह सबको पता है कि सीएम नीतीश प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। NSMCH में निःशुल्क दवा वितरण केंद्र का हुआ शुभारंभ। बीते दिन राजधानी पटना के बेहटा में अमहड़ा स्थित NSMCH में अत्याधुनिक उपकरणों के साथ हाईटेक ICU की सुविधा से लैस अस्पताल में बीते दिन निःशुल्क दवा वितरण केंद्र का उद्घाटन हुआ। दवा वितरण केंद्र का उद्घाटन RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने किया। इस मौके पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने BPL कार्ड धारक के बीच दवा का वितरण किया और कहा कि इस केंद्र से BPL कार्ड धारकों को निःशुल्क दवा का वितरण किया जाएगा। ऐसे पता करें कहाँ है आपकी नजदीकी आधार नामांकन केंद्र। आजकल कोई भी आधिकारिक काम करना हो आधार कार्ड जरूरी हो गया है। यह हमारी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट्स में से एक है। ऐसे में अगर आप अपना आधार बनवाने जा रहे हैं या आपको आधार में से ऐसे संशोधन करवाना है तो ऑनलाइन नहीं हो सकता, तो आपको आधार सेंटर जाना होगा। लेकिन कई बार इसका पता लगाना भी एक बड़ी चुनौती साबित होती है। इस बारे में हम आपको कुछ आसान तरीके बता रहे हैं। इनके जरिए आप मिनटों में अपने नज़दीक की
ही आधार केंद्र का पता लगा सकते हैं। आधार की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं, अपडेट आधार विकल्प पर स्क्रॉल करें, उसके बाद अपडेट आधार एनरोलमेंट या अपडेट सेंटर विकल्प चुनें। एक नया पेज खुलेगा, उसके बाद पिन कोड विकल्प पर क्लिक करें। एक और नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना पोस्टल कोड यानी कि पिन कोड दर्ज करना होगा। कैप्चा वेरिफिकेशन के लिए आपको कैप्चा भी दर्ज करना होगा। इसके बाद चंद सेकेंड में आपके नज़दीकी सेंटर की जानकारी आपके सामने होगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। मुंबई में 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा देने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 50 समर्थकों के साथ गिरफ्तार किए गए। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में मलाया अब मलेशिया है में जापान की मदद से इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को 1996 में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान चुना गया। भारतीय सेना ने 2012 में परमाणु हमला करने में सक्षम दो बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उपन्यासकार शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 को हुआ था। विख्यात पुस्तकालाध्यक्ष और शिक्षा शास्त्री एस आर रंगनाथन का जन्म 1892 को हुआ था। भारतीय अभिनेता महेश बाबू का जन्म 1975 को हुआ था। भारतीय फिल्म अभिनेत्री हंसिका मोटवानी का जन्म 1991 को हुआ था। और आज ही के दिन भारतीय क्रांति दिवस अथवा अगस्त क्रांति दिवस, नागासाकी दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस और विश्व आदिवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बीसीसीआई ने घरेलू सीजन 2022-23 के मैचों का जारी किया शेड्यूल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने घरेलू सीजन 2022-23 के लिए मैचों के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। बोर्ड के शेड्यूल के मुताबिक घरेलू सीजन 2022-23 के तहत मार्च 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक 1500 से ज्यादा मैच खेले जाएंगे। इस बार दिलीप ट्रॉफी के साथ साथ ईरानी कप भी वापसी हो रही है। दिलीप ट्रॉफी के मैच 8 से 25 सितंबर तक 6 जोन में खेले जाएंगे। इसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और फिर विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले होंगे। व्हाइट बॉल के इस दोनों टूर्नामेंट में कुल 38 टीम भाग लेंगी, जिन्हें 8 टीमों में 3 ग्रुप में बांटा गया है। इंस्टाग्राम अपने यूजर्स के लिए लेकर आ रहा है यह खास फीचर। मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम हमेशा खुद को अपडेट और अपने यूजर्स के लिए नए नए फीचर्स लाता रहता है। इसी कड़ी में मेटा के स्वामित्व वाले फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने कई नए फीचर्स जारी किए हैं और कहा है कि 15 मिनट से कम के नए वीडियो पोस्ट को रील के रूप में शेयर किया जाएगा। इंस्टा ने कहा कि यह फीचर आने वाले हफ्तों में यूजर्स के लिए शुरू हो जाएगी और यह भी उल्लेख किया गया है कि इस बदलाव से पहले पोस्ट की गई वीडियोज वीडियो के रूप में रहेंगी और रील नहीं बनेंगे। साथ ही मंच ने कहा है कि यह रिमिक्स के लिए टूल का भी विस्तार कर रहा है ताकि यूजर्स को अपने पसंदीदा क्रिएटर्स और दोस्तों के साथ सहयोग करते हुए इंस्टाग्राम पर स्टोरीज को बताने के तरीके को बढ़ाने में मदद मिल सके। सावन महीने में विशेष महत्व रखता है बिहार का नर्मदेश्वर शिव मंदिर। बीते दिन 8 अगस्त को सावन माह के आखिरी सोमवार पर शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान राज्य के सभी छोटे बड़े शिवालयों में सुबह से लेकर देर शाम तक भक्तों का तांता लगा रहा। इस बीच सावन के आखिरी और चौथे सोमवार को लगभग भारी संख्या में कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं ने बगहा के रामनगर के नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक व पूजा अर्चना की। रविवार की रात से ही मंदिर परिसर सहित पूरा शहर हर हर देव और बोलबम के नारों से गूंजता रहा। इस मंदिर को लेकर लोगों का मानना है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ इस नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में साक्षात विराजमान रहते हैं। इस महीने यहां जलाभिषेक करने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि नीलकंठ नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में सच्चे मन से पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने वालों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बिहार में मिले कोविड-19 के 150 से भी कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 139 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1023 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 3, अरवल में 1, औरंगाबाद में 6, बांका में 1, भागलपुर में 6, दरभंगा में 1, गया में 6, गोपालगंज में 15, कैमूर में 5, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज और लखीसराय में 1, मधुबनी में 3, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 4, नवादा में 1, पटना में 47, पूर्णिया में 1, रोहतास में 5, सहरसा में 1, सारण और शेखपुरा में 1, सीतामढ़ी में 5, सिवान में 4 और सुपौल में 14 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 61,500 निवासी सैंपल की जांच की गई है। इस दौरान 129 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है ललन दास, मृत्युंजय कुमार, रंजीत मिश्रा, राजकुमार प्रसाद, राकेश कुमार, पवन शेरावत, बासुकी पंचियाड़ा, सूरज कुमार, करण सिंह मेहरा, मोना झा, धीरज कुमार, धनंजय यादव और अमन खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।